हेलो एवरीवन, आज का डे इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, क्योंकि आज हम अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। आई एम मीटिंग हर आफ्टर 47 years, इज अ लॉट। मतलब सोचा भी नहीं था कि कभी हम लोग दोबारा मिल पाएंगे। वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वी वर 3, जिनमें से हम 2 मिल रहे हैं। एक को वी आर गोइंग टू मिस, बट उसको हम अपने साथ हमेशा रखेंगे, फेस टाइम से या उसको कांटेक्ट में रखेंगे। वी आर मिसिंग यू ऑल्सो नीरू। तो बस बड़ा मज़ेदार होने वाला है, देखते हैं क्या करते हैं, क्या उसका रिएक्शन रहता है, क्या मेरा रिएक्शन रहता है, देखते हैं क्या होता है। और इसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स मैं पता है किसको बोलूँगी? फेसबुक को। फेसबुक एंड इंस्टा, सच में सोशल हैंडल्स इतने ईजी हो गए ना रिकनेक्शन के लिए, और इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि मतलब आप पूरी अपनी लाइफ को ना दोबारा से रिजुविनेट कर लेते हो। दोबारा से वी आर गोइंग टू रिलिव आवर चाइल्डहुड। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आज, एंड वी आर ऑन द वे टू पिक हर अप। ब्रैम्पटन जा रहे हैं हम लोग उसको पिक करने के लिए। बारिश हो रही है, मौसम बहुत मज़ेदार है, गर्मी है, गर्मी नहीं है मतलब बड़ा प्लेजेंट मौसम है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बस वहाँ पहुँचते हैं, फिर चलिए मिलवाते हैं आपको भी। और ये बस हमारे वेलकम की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ चाय बन रही है, गरम गरम पकौड़े बन रहे हैं। पूरे टाइम लेने हैं अब तो। एक तो ब्लॉग जाएगा ना 47 years वाला। सीरियसली अनबिलीवेबल, मतलब वाकई में इज अ मिरेकल व्हिच हैज हैपेंड टू अस। भेजना बच्चों को। भेजूंगी मैं। हाउ आर, खाना खा के जाना। खाना इकट्ठे बना के खाएंगे। ओह माय गॉड, कौन बनाएगा खाना? मैं। आज तो मैं बना के खिलाऊंगी। चल ठीक है, डन। मतलब कह भी देखो कहाँ के ले रही है। हाँ, रेस्टोरेंट में जाकर बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, सही। और ये मौसी भांजी मिलते हुए। ओह वाह वाह वाह। नहीं चलते को आप जा रहे हैं, शादी पे आई हूं। चलो बाय बाय कर लो दोनों बस। ओह माय गॉड, नाइस मीटिंग यू। मुझे मम्मी के फ्रेंड्स से मिलके कभी ये नहीं लगता कि मैं फर्स्ट टाइम, मतलब एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम नहीं मिली होंगी, बट हां मासी से तो करूं फर्स्ट टाइम, पापा भी फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मिला। हां, असली मासी असली मासियों से मिल रही है ना, सच में जहाँ फॉर्मेलिटी ना हो। सो लकीली, मैंने कहा लकीली मासी अच्छी है सारी तेरी। इसीलिए अभी तक सारे बिल्कुल सब। अगर कोई एक भी ऐसा होता ना कि नहीं, तो मतलब नहीं हो पाता। दैट इज व्हाई वी हम लोग तो उन लोगों में से किसी घर को चाय बना पे जाए। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अरे थैंक यू, चलो बाय बेटे, बाय। अरे तो भी आ जाना, चलो मजा आ गया। चलो बाय। आ जा इंडियन अरोमा में। चल चलो वो आ गई। बार बार 50 बार इसका फोन आ गया, कब आ रही है मौसी? थैंक यू। आप लोगों की शक्लें ऐसा लग रहा है मिल रही हैं, है ना? यू हैव द सेम नोज, यू हैव द सेम नोज। और बस कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाई। हाँ, जो थोड़ा बहुत टाइम मिला उसमें मैं चाहती थी एक अच्छा सा उसके लिए केक बनाऊं उसको वेलकम करने के लिए, तो वो मैंने कोशिश की।
अब ये तो वही बता पाएगी कि मैं सक्सेसफुल हो पाई कि नहीं हो पाई, बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। और बस यहाँ अपनी फीलिंग्स को जस्ट शो करने के लिए मैंने डिफरेंट बलून्स रखे थे टू सेलिब्रेट आर स्पेशल डे, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ सो स्पेशल फॉर मी एंड इट इज़ आवर डे दैट वी आर सेलिब्रेटिंग अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। बना तो पता नहीं कैसा होगा क्योंकि कल मैंने ना सुबह मेरे पास जितना टाइम था। और यहाँ ये हमारे गोलगप्पे वाले भैया हमारे को चटपटे गोलगप्पे बना बना कर खिलाते हुए। पल्लव है आपको अंदर से झका दो। कॉस्ट भी जा सकते हैं सबसे जाना चल 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 देख रहे ना तुम लोग। नाइस गुड टॉप टॉप। बच्चों नहीं है बच्चों के लिए वो ये दिखा रही है तुमको। नहीं नहीं मौसी कह रही थी चल मैं तेरे को शॉपिंग करा दूं अगर तू प्लान कर रही है तो है ना। जो मर्जी देखने देख। हाय शर्ट चाहिए स्वेट शर्ट चाहिए किस तरीके का बनी प्लेन। अच्छा टी शर्ट वाली है। अच्छा हाँ ये ना ये पोलो नेक यही होता है ना। दिस इज नाइस। कभी सोचा था हमने हम इकट्ठे शॉपिंग कर रहे होंगे कनाडा में सही है लो आपको वापस से भेजना। अच्छा ठीक है ये देखो इधर बंगड़े वाला बना हुआ है। हां सरदार जी बनाए बंगड़े वाले। हां दिस इज वेरी नाइस ब्यूटीफुल बनाया एकदम बहुत ब्यूटीफुल है। और इधर भी जा मूवी में मूवी बना सकते थे इसमें मूवी मूवी। हां हेलो कम से हाय। हेलो हां अब तू आ गया आज आ जा गया बेटा। और बस शॉपिंग करके हम घर आ गए और ये है हमारा डिनर जो मैंने कोशिश की थी कि सब कुछ साधना की पसंद का बनाऊं एंड आई एम सो ग्लैड कि उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बस मेरी मेहनत सफल हो गई। नेवर माइंड यू आर सो स्पेशल फॉर मी है ना। उसके बाद सेलिब्रेटिंग आर अब हम क्या करने जा रहे हैं ट्विनिंग। बहुत अच्छी लग रही है ट्विनिंग। गुड नाइट थैंक यू। और ये हमारी बहुत प्यारी सी फ्रेंड नीरू जो इंडिया में है और इसी की अभी हम बात कर रहे थे। हमने उसे फ़ोन किया और इतनी गप्पे मारे कि रात कहाँ गई पता ही नहीं चला। ट्विनिंग आप लोग बच्चे हो गए हैं आज बच्चे हो गए। अब हम आपका केक काटने वाले हैं मौसी। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स फॉर लाइफ है ना। आप लीजिए लीजिए आप
और बस हमारी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी जिसके लिए हमारे को दोबारा आउटलेट कलेक्शन मॉल जाना पड़ा। चलें चलो, कहाँ जा रहे हैं? कबाब खाने। कबाब खाने इंडियन अरोमा किचन। इंडियन अरोमा किचन चल राइट। आउटलेट कलेक्शन मॉल। आउटलेट कलेक्शन मॉल। कुछ और चाहिए था? नहीं, हेल्दी ऑप्शंस चाहिए थे। हेल्दी ऑप्शंस है ना। बस ये हमारा टाइम आ गया डिपार्टिंग। भजन गा। भजन गाओ। हाँ, हनुमान ने मैं भी राम रजाऊंगा, मैया ने लगाया तो मैं तो खूब लगाऊंगा, इसीलिए हनुमान ने चुला रंग डाला, इसीलिए हनुमान ने के लाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला, मांग में सिंदूर मैया। Four decades, more than four decades, and I can't thank God enough for these precious moments we spent in Canada. Oh, me and Minnie, and we were back in our childhood. Seriously. Yes. Yeah. So bye bye until we meet next time, and pretty soon in the US now. Sure. Thank you so much. Love you. I'm going to miss you. चलो जल्दी मिलेंगे, है ना? ठीक है। ओके। ऑल द फ्लावर्स ऑल अराउंड द हाउस, ऑल डेकोरेशन, स्पेशल केक, सो मच फूड। आई थिंक इन फ्यू आवर्स आई हैव गेन सो मच वेट ईटिंग ऑल द गुड फूड। शी हैज पैक्ड सो मेनी गुडीज फॉर मी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओह, लव यू, बेस्ट टू हैव यू हियर। और बस ये हम पहुंच गए उसको छोड़ने के लिए, और देखिए शादी वाला घर कितना सुंदर सजा हुआ था। अरे वाह, अंदर भी सजा हुआ है। अरे वाह, चलो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तू भी आ जाना। अभी आती हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है। ब्यूटीफुल। और फाइनली वो टाइम आ ही गया जब हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत हैवी हार्ट से गुड बाय बोला। पर कोई बात नहीं, अब हम जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना? अच्छा, क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई फ्रेंड आपसे इतने टाइम बाद मिला हो? कितनी अमेजिंग फीलिंग होती है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिलती रहे, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग या नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।